गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रहशश हो रखा है, टाइम ही नहीं है। खुशी भी उठ चुकी है, मैं भी उठ चुका हूँ। एक डेढ़ घंटे से आप लोगों के लिए व्लॉग्स ही एडिट कर रहा होता हूँ, सुबह सुबह उठ के व्लॉग्स लाइव करता हूँ और बाकी सारी चीज़ें। सो फटाफट से चलते हैं जिम फिनिश करते हैं और उसके बाद इतने खुशी सारे कुछ घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसा कि आप सब देख सकते हो। रूम इज क्वाइट मेस्ड। बस फटाफट से मैं जिम कंप्लीट कर लेता हूँ, इतने खुशी थोड़ी सी पैकिंग कर देगी एंड देन विल लीव फ्रॉम हियर। आई एम गोना मिस दिस व्यू गाइस। डेली सुबह प्री वर्कआउट के साथ ये व्यू देखता हूँ और कितना अमेजिंग लगता है। आई एम गोना रियली मिस दिस व्यू। जहाँ जा रहा हूँ मैं पटोंग में, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ इस टाइप का, नहीं तो कुछ अलग बढ़िया ही व्यू हो। अलग अलग चीज़ें ही इन्जॉय करनी है, अलग अलग व्यू ही इन्जॉय करना है, दैट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग मतलब क्या करते हैं कि पर्पस भूल जाते हैं। मतलब द पर्पस इज़ टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, ना कि पूरा टाइम जस्ट मतलब रनिंग आफ्टर द मनी। तो लिव योर लाइफ, बी हैप्पी गाइज, ऑलवेज बी हैप्पी। किसी को नहीं पता कितनी बड़ी लाइफ है, ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी and do not sacrifice your happiness for anyone in finally workout khatam karke aa gaya hu mere bachcho ke paas good morning bubu kha raha hai apna oatmeal ye dekho guys oatmeal chal rahi hai babu ki aur sara room phaila hua hai mera messed up but this view oh amazing view। चलो गाइस अपना बैग वैग सब पैक्ड है, खुशी के पड़े हैं, थोड़ा बहुत रह गया, मैंने अपना पूरा का पूरा रख दिया है, बस इसका रख के नाउ लेट्स लीव। यार ये गिम्बल ही सेट नहीं हो रहा मेरे से इस बॉक्स के अंदर वापस, तो अभी मैंने फोटोग्राफर को बुलाया है, ही इज़ कमिंग, वो आएगा और इसको सेट करेगा, तब हम जा पाएंगे। हमारा सारा सामान बाहर रखा है। माई फ्रेंड ऑट केम, थैंक यू ऑट, इसने अभी गिम्बल सेट कर दिया। मेरे से गिम्बल सेट नहीं हो रहा था, पैक नहीं हो रहा था। नाउ वी आर लीविंग। बैग देखो, बस बैग देखो गाइस, कितने सारे बैग हैं, पूरे का पूरा आगे तक भर रखा है सारा कुछ। इतना सारा सामान लेके खुशी ट्रैवल करती है, इतु सी तुम हो बाबू, इतना सारा सामान आफत मचा रखी है, इतु सी तू है नहीं है। अभी हम निकल गए हैं इस प्रॉपर्टी से, नाउ वी आर हेडिंग टू नो होटल फुकेट रिजॉर्ट। और पटोंग का तो आप सभी को पता है कहर है इस फुकेट शहर के अंदर। सचिन की तो फेवरेट जगह है वो। मेरी क्यों फेवरेट जगह? बिल्कुल फेवरेट जगह, जहाँ लड़कियाँ होती है मेरी फेवरेट जगह बना देती है, ऐसा थोड़ी है। इसकी फेवरेट जगह, मेरी फेवरेट तो तुम हो बाबू। He's just trying to be modest, you know? अरे चलो फटाफट लेके चलो भाई, टैक्सी साहब आ गए हैं हमारे ग्रैब के। यहाँ पे एक ऐप है ग्रैब, मैं वो डाउनलोड कर रखी है मैंने बहुत पहले से, मैं आता हूँ क्योंकि थाईलैंड में से कोई भी आता है तो उसको डाउनलोड करो, आपको बेस्ट मतलब सर्विस मिलेगी, हमारे जैसे हमारे फूड भी डिलीवर कर देगा, जैसे ओला है, यहाँ पे जो ग्रैब है, यहाँ पे जो ग्रैब है उसके अंदर ओला उबर प्लस स्विगी है, मतलब फूड ट्रांसपोर्ट कुछ भी आपको यूज करना है आप उस ऐप से कर लो, सेफ एंड साउंड आप जाते हो। इनका पूरे का पूरा सब कुछ लिखा भी हुआ होता है, ये देखो ऐसे कार्ड कोड भी लगे होते हैं कि ये है बंदा जो आ रहा है, जो लेके जा रहा है आपको, कम्प्लीटली सेफ, गुड ऐप है, मतलब बहुत बढ़िया ऐप है। मेरे को बहुत भूख लगी थी तो भैया ने मैकडोनल्ड्स पे रोक दिया है, अब मैं टेक ओवर उठा लूंगा कुछ ना कुछ। बेबू क्या खाएगी? फ्राइज खाएगी हमेशा की तरह, है ना? वेज ही नहीं मिलता उसमें, वेज मिलता ही नहीं है, वेज बर्गर नहीं मिलता, बर्गर फ्राइज इज द ओनली वेज यू गेट। फाइनली मैकडोनल्ड्स में कुछ खाएंगे, अब ऑर्डर दे दिया है मैंने, वेट कर रहा हूँ। और ये देखो मेरी बेबू वो कार के अंदर बैठी है अपनी कैब के अंदर। बेबी आ गया तुम्हारा खाना, तुम खा लो, तुम्हें कब से भूख लगी थी ना? बस मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। मौज हो गई, मौज कर दी सचिन ने ना, मायो भी लेके आ गया मेरे लिए। और ड्राइवर साहब ने हमें टिश्यू खोल के दे दिए कि गंदी मत करना गाड़ी बिल्कुल भी। बोल रहा है ये लो टिश्यू, सामने से बोल रहा है येलो टिश्यू, गाड़ी मत करना मेरी। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी नई प्रॉपर्टी में, जो कि है नोवोटेल फुकेट रिजॉर्ट। ये दे दो इसको। क्यों बेबी मजा आ रही है? सामने सी है, यहाँ पे भी बहुत जोरदार व्यू लग रहा है।
चलो रूम चेक करते हैं इनका। फाइनली 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 अपने बैग्स देखो कितने सारे हैं भाई। या इनसाइड पुट इनसाइड नो प्रॉब्लम। इस होटल के अंदर अंदर ही इंडियन रेस्टोरेंट भी है। देख वो देख सामने देख लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट लेफ्ट साइड। मेरी तो मारी होगी डिंचे डिंचे डिंचे। अपने लिए ड्रिंक भी आ गई है रिफ्रेशिंग। बेबी पीनी है ट्राई करो थाई ड्रिंक। पहले तुम ट्राई करो। व्हाट इज दिस रसना जूस। ओके हर जगह मेरे को आगे करना है इसको जहाँ पे भी रिस्क का मैटर हो। कह रही पहले तुम ट्राई करो। मैं इसलिए मीट थोड़ी हो देगा यार कैसी बात करती हो। हाँ आ चुका हूँ अपनी नई प्रॉपर्टी में नो होटल फुकेट रिजॉर्ट में और ये देखो यहाँ पे है तीन तीन अमेजिंग पूल। ये फर्स्ट पूल है इनका जहाँ पे मैं वॉलीबॉल खेलने वाला हूँ। वी कैन प्ले वॉलीबॉल हियर। Amazing view guys. Check this out. Left में पीना कोलाडा के लिए तुम्हारा वो है काउंटर। Guys view देखो तुम बस यहाँ से ये व्यू सामने दिख रहा है और ये अपना फर्स्ट पूल हो गया। ये अपना सेकेंड पूल एडल्ट वाला जिसमें लोग फन कर रहे हैं और इसके ऊपर थर्ड पूल है। तो गाइस कौन इज हियर देखो ये फर्स्ट पूल है और व्यू आपको मैंने दो और पूल दिखाए नीचे। कितना अमेजिंग प्रॉपर्टी है एंड परफेक्ट प्लेस फॉर इंडियंस। इनके पास इंडियन रेस्टोरेंट भी है। द बेस्ट पार्ट इज मेरी तो मौज है ये इंडियन फूड। इंडियन खाने के नाम सुनते ही खुशी के चेहरे पे देख लो स्माइल तुम लोग। इसको देख लो इसको कितनी ज्यादा खुश हो गई है लड़की। ये है अपना इंडियन रेस्टोरेंट। मैं तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब कुछ करूँगा। मुझे तो कहीं पे भी ना व्यू दे दो लाइफ में और मेरी जिंदगी। मेरे को सोना भी व्यू के साथ है मेरे को उठना भी व्यू के साथ है मेरे को खाना भी व्यू के साथ है पूल में भी व्यू के साथ जाना है। हमारा टेस्ट सेम है तभी तो हम साथ हैं बेबी। इनके पास इंडियन शेफ है वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके पास इंडियन शेफ है। ये सजा रखा है इन्होंने हमारे लिए। मजाक कर रहा हूँ हमारे लिए नहीं सजाया किसी का कुछ काम हुआ है उसके लिए सजाया। एक बार खुशी को मैंने ऐसे रेस्टोरेंट पे लेके गया वहाँ सजा हुआ था। मैंने कहा आज अपनी एनिवर्सरी है ना इसलिए सजा हुआ है। खुशी मान गई पूरा। फिर बाद में हमने खुद ही बता दिया। जस्ट लुक एट दिस व्यू ओह माय गॉड ये है मेस्मराइजिंग व्यू। सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगा यहीं पे बैठ के लंच करूंगा यहीं पे बैठ के डिनर करूंगा। मैं तो रात में इसको सुला भी दूंगी इधर ही। गुस्सा भी इससे ले लूंगा मैं यहाँ पे सुला दूंगी और गुस्सा होगी यहाँ पे मिलूंगी। पप्पी भी यहीं ले लूंगा गुस्सा भी यहीं हो जाऊंगा। ओके खुशी को तो टेंशन हो गई थी बिना बग्गी के कैसे चढ़ेगी डेली। अरे भाई बहुत लंबा है वो वहाँ पर भी कितना 1 किलोमीटर तो चला देगा वो मुझे। कोई नहीं मैं स्कूटी ले आऊंगा मेरे बाबू के लिए। ये अपना रूम है वहाँ हम जा रहे हैं। बेबी डॉल भी चढ़ रही बेबी तो थक गई ये बैग हैवी है। चल मेरे शेरा खुशी पिएगी चाय मैं पीऊंगा कॉफी और यहाँ पे मैं पूरा सबसे ज्यादा समय में यहाँ बिताने वाला हूँ क्योंकि ओहो आई जस्ट डाई आई कैन डाई फॉर दिस व्यू। इतना बढ़िया लगता है मेरे को व्यू। आई लव दिस व्यू गाइस मज़ेदार लग रहा है ना एकदम जोरदार यार।
ये प्रॉपर्टी के नीचे का हिस्सा है, ये पूरी प्रॉपर्टी ही नहीं की है, ये सारे ये एंटायर नोवोटेल की ये पूरी प्रॉपर्टी है, सारे रूम्स उन्हीं के हैं, ये बिग 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 प्रॉपर्टी एंड बहुत ही बड़े तीन पूल आपको दिखाए मैंने। ओहो मौज हो गई यार, आज ऐसा लग रहा है फुकेट पूरा दिख रहा हो, जैसे पूरा का पूरा फुकेट दिख रहा है यहाँ से मेरे को, पूरा पटोंग एरिया, वहाँ शिलोंग एरिया भी दिख रहा है, पूरा पटोंग दिख रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है इतना ऊपर मैं पहाड़ पे चढ़ा के, रूम है अपना और सामने एकदम सी का व्यू यहाँ से दिखता है भाई पूरा फुकेट, मतलब मैंने जो पिछली प्रॉपर्टी में व्यू देखा था मैं उससे ही थ्रिल्ड था, बट इसको देख के तो मेरे को लग रहा है ओहो हो, मतलब अभी मैं जिंदगी में और बढ़िया बढ़िया व्यू देख रहा हूँ, वाओ ऐसा व्यू तो भाई कहीं नहीं देखने को मिल सकता, इस व्यू से मैंने तो पूरा फुकेट को देख लिया है। पर इस लोकेशन तक आने में खुशी को बहुत चलना पड़ा है, इसलिए बेबी के लिए स्कूटी ले लेते हैं फटाफट से, चलो तुम्हारे लिए स्कूटी ले आते हैं, नीचे चलते हैं। प्रॉपर्टी तो हमने दिखाई दी है और अभी हम यहाँ 5-6 दिन है, डेली आप डे लाइट में भी देखोगे कितनी जोरदार प्रॉपर्टी है, पसीने अभी तो चलते हैं बाहर पटोंग में चिल करने, पसीना पसीना हो गया हूँ, पसीने तो पूरे सचिन ने भी छोड़ दिए हैं, ऊपर चढ़ते चढ़ते सारा सामान उठा के आया है, तो मेरे को सबसे ज्यादा आते हैं तो खाने लग जाऊँ ना, अगर उसमें हल्की भी मिर्च है तो भी पसीना आ जाता है, मेरे को पूरे टाइम गर्मी लगती है, मतलब मेरे को चाहिए एसी 24/7, मैं रह ही नहीं सकता बिना एसी के, गर्मी हो सर्दियों में भी आप मानोगे नहीं, दिसंबर में दिल्ली में कितनी ठंड होती है तब भी मेरे घर में आपको एक नंबर पे पंखा हमेशा चलता मिलेगा, मतलब पंखा तो चलेगा ही चलेगा, पंखे के बिना आई कैन नॉट, और मैं तो बेड देखते ही पसर जाती हूँ, मुझे लगता है कि तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही रूस का सुकून, मेरे बिना पसर गई हो, मेरे को तो आने दो। भाई साहब थक गए हैं बहुत ज्यादा हम लोग, अब तो मैं भी थक गया हूँ यार, एक तो ये बैगेज का देख लो सामान, बैग के लिए अलग रूम लेना पड़ेगा, है बेबी इतना तो लगेज होता है अपना। चल यार फिर स्कूटी ले आते हैं बेबी, कि थोड़ी देर रेस्ट करना है, थक गई हो, इतना चलना पड़ता है यार, मतलब ये पूरा हिल के ऊपर है इसलिए इतना अच्छा व्यू दिख रहा है, तो हिल की वजह से जो इतना बढ़िया व्यू मिला है ना, पहले तो ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बोलते है ना संघर्ष करो, तो संघर्ष होता है, पर यहाँ बग्गी की सर्विस है, 5 नंबर पे फोन करो बग्गी आ जाएगी, वो हमें ले जाएगी, फिर हम स्कूटी ले आएंगे। एक काम कर जाए पहले ना, मैं थोड़े पजामे टाइप के कपड़े पहन लेती हूँ, मैं भी ये शर्ट वर्ट उतार लेता हूँ, अब मैं पूरा टाइम शूज पहन के घूमूंगी, भाई इनका रिसोर्ट बहुत ऊपर है हील पर, तो बाबा ये तो हील्स तो पहन नहीं सकती, मेरे को थका देंगे वरना ऊपर चढ़ा जाएंगे, बीच लाइफ में कौन नहीं पहनेगा हील्स, हील्स नहीं पहनते बीच पे, नहीं। तो फाइनली हमारा लेजीनेस खत्म हो गई है, अब हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा लेट के थोड़ा सही लग रहा है, कोकोनट वाटर पिया, अभी हम डिनर भी करेंगे, घूमेंगे भी, स्कूटी भी लेंगे, पटोंग में चिल करेंगे यार। चलो मोटा भाई चाबी ले लो रूम की, डेली हम दोनों कोकोनट पीते हैं, डेली एवरीडे वी लव कोकोनट, और कई बार दो बार भी तीन बार भी, यहां का जो कोकोनट है ना माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल, मेरा तो फेवरेट है। चलो यार वी आर गेटिंग लेट, मेरा तो फ़ोन टूट गया गाइस, कवर भी टूट गया फ़ोन के साथ साथ, थाईलैंड आती है मेरे साथ, थाईलैंड जब भी मैं थाईलैंड आता हूँ एक ना एक बार मेरा फ़ोन ज़रूर टूटता है, पता नहीं क्या चक्कर है मेरे फ़ोन का और थाईलैंड का, ये दिख रही है आपको पीछे से टूट गया है, खात्मा हो गया है मेरे फ़ोन का और इसका कवर भी टूट चुका है, दोनों ही चीज़ टूट गई है, क्या चक्कर है बेबी, ये थाईलैंड आती फ़ोन टूटता है मेरा, है बताओ, संभाल के रखो ना, नहीं कुछ गैस गुस कुछ भी, चक्कर क्या है ये, काहे का गैस कि मतलब ऐसा क्या है ये, कुछ रिश्ता है क्या मेरे फोन का और थाईलैंड का साथ में, हाँ बर्थडे है ना, बर्थडे आता ना तुम्हारा, तो तुम सोचते हो कि बस अब नया फोन ले लिया जाए, इसे तुम तोड़ देते हो, तो तुम दिला रही हो नया फोन नवंबर में, तुम तोड़ देते हो, तो तुम बर्थडे गिफ्ट दिला रही हो क्या फोन, हाँ चलो हैं चलो फिर अभी चलो, चलो दिला रही हो, पक्की बात है, चलो 10 लाख लोग देख रहे हैं ये, हाँ, चलो बाद में मुकर नहीं पाओगी, 10 लाख लोग मेरा क्या उखाड़ लेंगे नहीं बेइज्जती तो खराब हो ही जाएगी, उखाड़ तो कोई कुछ नहीं पाता है, तुम्हारी खुशी गढ़वी की जुबान कैंसिल, मतलब पहले ही उसने दिलाने से पहले ही कैंसिल कर दिया है कि 10 लाख लोग क्या कर पाएंगे वाह, मैडम ने गेट बंद कर दिया, चाबी ली नहीं है, हमारे भैया आ गए हैं जो हमें लेके जाएंगे बगी में, पता पड़ा है मतलब
आई विल गेट टायर्ड यार इतना। अभी देखो इसमें बैठ के जा रही हूँ तो भी 5 मिनट्स लगने वाला है, अगर चल के जाऊंगी तो देख लेना 500 मिनट्स लगेगा। खापुन खाप, ये अपनी टुक टुक और ये अपने रिजॉर्ट का नाम नो होटल फुकेट रिजॉर्ट। अभी हमको एक बंदे ने बताया कि कहाँ पे स्कूटी मिलेगी, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। वो इंडियन ही था, खुशी कह रही तो इसके पीछे ही बैठ लेता। तो ये सोच रहा है मैं अगर अकेला कहती तो अकेला होता ना तो इसके पीछे ही बैठ लेता, तू तो पहुंच जाता वहां तक। तो मैंने कहा अगर मैं अकेला होता तो मैं इसके पीछे क्यों बैठता। ओ पेट्रोल बेच रहे हैं, गैसोलीन बेच रहे हैं, अपने पास स्कूटी ही नहीं है, क्या करेंगे गैसोलीन का उस्ताद। गैसोलीन मिल रही है, देखो स्कूटी है नहीं, पेट्रोल पहले खरीद ले है बेबी। गांव बसा नहीं, मंगते पहले आगे। 10,000 बाट ले लिया 20 दिन का, बिल्कुल ही इसने पागल बना दिया है। पर यहाँ सारे ही ज्यादा मांग रहे हैं, इसलिए हमको तो लेना ही था तो ले लिया हमने। चलो फिर गेड़ी रूट पे चले, कुछ खिला के लाते हैं तुम्हें, कुछ घुमा के लाते हैं तुम्हें, थोड़ा फन कराते हैं बेबी डॉल। इंडियन रेस्टोरेंट इस तरफ, चलो ओनली दिस वे। तुझे तो जाना था ना लेकिन अकेले बाहर। अकेले क्यों जाना था मेरे को? तूने बोला ना तुझे जाना है अकेले बाहर। कब कहा मैंने? तो बोला नहीं तो तूने बोला तुम अकेला बाहर नहीं मैं चले जाऊंगा। अरे नहीं बेबी, कहाँ गया तो नहीं ना, जाता हूँ कहीं, जा नहीं रहा वही अच्छी बात है ना, समझ। थैंक यू खाना खा के कैसा लग रहा है बेबी? खाना कंप्लीट हो गया है मेरा और खुशी का, अब हम चले हैं सवारी पे अपनी स्कूटी राइड। काली कलर की स्कूटी कितनी बढ़िया लग रही है अपनी, नहीं ये देखो गाइस बहुत मजा आ रहा है। ये तो स्ट्रीट पे घूमने में तो अलग ही मजा आता है, स्कूटरी पे वो भी, स्कूटी नहीं स्कूटरी, स्कूटरी पे घूम रहे हैं हम। इंडिया में नहीं हर जगह पे ट्रैफिक होता है देखो। तो गाइस जैसा कि आप सभी ने देखा कि बांग्ला रोड वाज सुपर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड आई कैन से। अभी पीक सीजन में आए आफ्टर द कोरोना, शायद सब खुला है तो उस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम गए तो थे कि रोड पे थोड़ा कुछ घूमेंगे या कुछ करेंगे, बट लिटरली ट्रैफिक हो रखा था उस जगह पे और इतना ओवरक्राउडेड था कि धक्का मुक्की चल रही हो। जैसे कि आज फ्राइडे है, सैटरडे कल है और देन संडे तो वीकेंड तो है ही, प्लस सीजन भी है कोरोना के बाद। इतना पैक्ड बांग्ला रोड के मतलब पैर रखने की जगह नहीं। तो हम तो थोड़ा बहुत घूमे, कोकोनट वगैरह पिया, फ्रेश जूस पिया, खाना हमने खा ही लिया था एंड नाउ वी आर बैक टू द होटल। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करूँगा।